ये नए तरीके से अगर पशुपालन करना है तो इनकी अलग अलग पार्टीशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भैंस दुधारू है और एक भैंस खाली है। दुधारू भैंस को ज़्यादा हमारे को फीड डालनी है और खाली भैंस को कम डालनी है, इसलिए इसके बीच में पार्टीशन करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फीड का लॉस होगा। क्योंकि अलग अलग पार्टीशन करने में जितना हम उसके पास डालेंगे वही खाएगी, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और आपने ये बैंड से लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है? ये अलग अलग पार्टीशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक पशु दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, या दूसरे की लोटी के ऊपर पैर ना रख दे, या दूसरे की पूंछ ना काट दे, क्योंकि पशु हमारे लिए वैसा ही ज़रूरी है जैसा ही एक किसान को अपना बेटा प्यारा है। हमने जो खुरली का साइज रखना है वो बीच में से गोल रखना है साइड में, क्योंकि अगर हम इसको चौरस बनाएंगे तो साइड में जगह में इसके फंगस का हमारे को खतरा रहता है, फीड या तूड़ी वगैरह इकट्ठी होकर फंगस हो जाती है, जो कई बार मैस्टाइटिस का या चमड़ी रोगों का या हाजमे का खराब होना, ये कई बीमारियों का कारण बनती है। और आपने इसको नीमा रखा हुआ है, इसका भी कोई रीजन? हाँ, नीमा इसलिए रखा है क्योंकि जो पशु का फूड पाइप है वो नीचे की साइड में है, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसको प्रॉपर हजम नहीं होगा। सर जी, आप मुझे ये बताएं, भी आपने दीवार से पीछे हटके बनाया हुआ है इसको, इसका क्या कारण है? क्यों, इसका ये कारण है, एक तो हमारे को चारा वगैरह या अनाज वगैरह डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में, अगर हम दूसरी साइड से डालने से डालेंगे इसके अंदर, पशु हमारे को डालने नहीं देगा और हमारे पैरों के साथ गोबर भी टच करेगा, गोबर टच करेगा तो पशु उसको अच्छे तरीके से खाएगा नहीं। और आपने जो हाइट रखी है, ये बहुत ऊँची रखी हुई है, हाइट ऊँची रखने का मकसद है तो इनको गर्मी कम लगेगी, 13.5-14 फीट की हाइट रखनी चाहिए इनकी। तो आपने कांटा रख रखा है, इसका क्या मतलब है जी? तो साथियों, कांटा रखने का मेरा मकसद है, ये हमने अगर इनको कोई भी चीज़ देनी है बगैर तोले नहीं देनी है। हम किसान साथी अंदाज़ा ही लगाते हैं कि 2 किलो या 3 किलो फीड है, क्योंकि हमारे को जो 6 लीटर वाली भैंस है उसको हमारे को 3 किलो फीड देनी है, जो लोकल भैंस है, जो ब्रीड की भैंस है वो 15 लीटर के ऊपर 5 किलो फीड लेगी, हमारे को तोल के डालना है, अगर तोल के नहीं डालेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तान साथियों, 2010 के अंदर मैंने मैट पशुओं के नीचे बिछाए थे, क्योंकि इसका कारण है हमारे पास कच्ची जगहों का अभाव हो गया, क्योंकि ये तो कच्चे का जानवर है तो इसके बैठने में दिक्कत है, अगर पशु नहीं बैठेगा, आराम नहीं करेगा तो दूध की प्रोडक्शन कम देगा, तो इसलिए मैंने 2010 के अंदर मैट बिछा दिए थे इनके नीचे, तो आराम से बैठ कर जुगाड़े निकालते हैं तो प्रोडक्शन भी जब भी देंगे। तो सर, आप मुझे इस पानी के बारे में बताएं, पानी वाले जुगाड़ लगाया आपने, इसका क्या क्या फ़ायदा है आपको? इसका यह फायदा है, अगर हम दिन में कहीं बाहर भी चले जाएंगे तो हमारा पशु प्यासा नहीं रहेगा, जब इसको पानी की ज़रूरत है तब ये पानी पी लेगा, परंतु ये पुराने समय का लगाया हुआ है, इनके अंदर अलग अलग वॉल लगाया हुआ है, परंतु नए तरीके से हम एक साइड में ड्रम रखकर एक वॉल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि नए तरीके हर साल नए, अगर हम नई टेक्नोलॉजी से करेंगे तो खर्चा कम आएगा। हाँ, कम आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा फार्म टूर था, मैंने बहुत कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की है, और सर काफ़ी, अगर आप सर से डिटेल में किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो सर से आप बात करके उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। सर को लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है डेयरी फार्मिंग में, बहुत एक सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं। तो अब दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे किसान वीरों के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी एक साइंटिफिक तरीके से पशुपालन कर सकें। तो इन्हीं बातों से इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और जो किसान वीर नए आए थे हमारे चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास वाली घंटी होती है उसको भी जरूर दबा दें, क्योंकि किसान वीरों हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो किसान वीरों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।